वाराणसी जिला पोस्ट चोलापुर ग्राम देवानंदपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पानी गंदा पानी एकत्रित होने से बाहर निकलने की सुविधा न होने से यहां के छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं शबनम और ये है मेरा समुदाय। पानी यहां पर पानी जमेगा, फिर जमने लगा जी। तो इससे क्या हो रहा है? हम लोग खेल नहीं पाते हैं, हो रहा है। फिर से बहुत ज्यादा मच्छर लगने लगा है और फिर से थोड़ा कौन से सबको निकलने लगा, इन्फेक्शन फिर से हो रहा है, तो पानी फिर आने लगा, फिर जमा होने लगा जी। हम लोग मैडम कहते खेलेंगे, हम लोग के लिए कुछ करेंगी, हमेशा कीटाणु रहते हैं। क्या समस्या होती है आपको इस पानी से? बहुत गंदगी फैलती है, मलेरिया टाइफाइड ये सब बीमारी होती है। तो पानी ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसके लिए जो भी हम बताएं कि फाइल वगैरह गई है डीएम के पास, उस स्वीकृति जब मिलेगी तो काम शुरू हो जाएगा। तब उसके पहले के लिए व्यवस्था की गई है उसके, अभी मतलब जब तक कि नहीं हो पा रहा उसके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए पानी बाहर एक गड्ढा है उधर पानी भेजा जा रहा है कि फील्ड में पानी ना लगे, बच्चे इन्फेक्टेड ना हो। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि फरजाना, सकीला, अफसाना, नजराना, शबाना जैसी बच्चियों को जो गंदे पानी की समस्या, गंदे पानी की वजह से खुजली, फुंसी और बीमारी की समस्या हो रही है, उसको बेसिक जिला अधिकारी सही जांच करें और इस समस्या का समाधान कराएं। और इस समस्या का समाधान कराने के लिए बेसिक जिला अधिकारी BSA साहब को इस नंबर पर 9453004187 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं शबनम वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।